मैं शहबाज गिल की बहन हूं, शिकागो से बात कर रही हूं बड़े दुख के साथ। नुसरत गिल मेरा नाम है, यहां पर मैं 1976 से मुकीम हूं। बात करनी मेरे लिए मुश्किल हो रही है। मेरा भाई यहां पर जिसने पीएचडी की हुई है, इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतना काबिल मेरा भाई, जो कि अर्बाना शैम्पेन यूनिवर्सिटी में बिजनेस का प्रोफेसर, जो पढ़ाता है, जो तालीम देता है लोगों को, 4 साल पहले हमारे लाख मना करने के बावजूद वो पाकिस्तान चला गया। हमने बहुत समझाया उसको, अभी भी जब भी आता था मैं उसको समझाती थी कि शहबाज वापस आ जाओ, अपना कैरियर मत खराब करो, तुम यहां इतने वेल सेटल्ड हो, यू डोंट नीड टू गो बैक इन दैट करप्ट सिस्टम। तो कहता था कि नहीं भाजी, मैं जाना है मेरा मुल्क है, मैं अपने खिदमत करनी लोगों की, मैं अपनी अवाम की खिदमत करनी, जे साढ़े उड़ गए पढ़े लिखे लोग वापस नहीं जाएंगे तो साड़ा कर्ज है मुल्क दे उत्ते। तो मैं उसको हमेशा मेरी उसके सब मुझे बल्कि कहना कि बाजी तुसी भी चलो, ताड़ा इन्ना एक्सपीरियंस है थे, तुसी इन्नी जिंदगी गुजारी है, अपने मुल्क नु देना। वो वापस हमारी मना करने के बावजूद गया और उसके साथ ये सलूक हो रहा है, क्या खता थी उसकी, क्या कहा उसने, जरा चारों तरफ तो देखें आप लोग कि बाकी लोग क्या बातें कर रहे हैं। उसको जेल में डाला गया, मैं तो वो अल्फाज अपने मुंह से बहन के ऐसे से दोहरा भी नहीं सकती जो कुछ उसके साथ किया है। हमारे पास वो सारे के सारे सबूत मौजूद हैं, जो ज्यादतियां उसके साथ हुई हैं, जो टॉर्चर उसको किया गया है जेल के अंदर, इस तरह जालमाना टॉर्चर करते हैं आप अपने बंदों से और अपने उस्तादों के साथ। एक टीचर जो सब कुछ अपना यहां पे लुटा के छोड़ के सेटल जिंदगी अपनी वहां पर गया पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करने के लिए, कि एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके आम आदमी को, उसके साथ ये सब कुछ हुआ और सब खामोश हैं। किस बात की उसको सजा दे रहे हैं, जो 20 दिन हो गए उसको जेल में डाला हुआ, उसकी बेल नहीं होने देते। किस अदारे के पास मैं जाके ये बात करूं, किससे मैं ये तवक्का करूं इंसाफ की। मुझे सब मना कर रहे थे उस दिन से कि नहीं नहीं करना तुमने कुछ, खामोश हो जाओ। लेकिन कब तक खामोश रहे इंसान, कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करे। आज इसके साथ हुआ, कल उसके साथ होगा। हम सब ये सोचते थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद जाएंगे, अभी भी बहुत कुछ करते हैं। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहती। आप लोगों को अगर पता चले कि हम इतने सालों से हमने क्या कुछ किया अपने मुल्क के लिए, एक एक जितने भी हमारे हुकूमत में लोग हैं सब वाकिफ हैं मुझसे और मेरे खावन से, यहां पे भी, यहां के जो बड़े बड़े जितने भी गुजरे हैं प्रेसिडेंट, सब हमें जानते हैं पर्सनली। हमने हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई है, इंसाफ के लिए आवाज उठाई है। और जब भी अर्थक्वेक आया कुछ हुआ, हम सब भागे भागे जाते हैं, हम अपने ऊपर तंगी कर लेते हैं, हम अपने पाकिस्तान अवाम को सपोर्ट करते हैं, पैसे भेजते हैं किसी तरह से हम उनके काम आ सकें। अल्लाह का शुक्र है बच्चे यहां 3 जनरेशन से यहां पर है, मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, अपना संभाल रहे, हमें उनकी नहीं है कि हमने उनके लिए कुछ बनाना, नहीं, हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। जो कुछ मेरे भाई के साथ हो रहा है, अगर आज यहां की अदालत में इंसाफ नहीं तो एक दिन मिलेगा उसको इंसाफ अल्लाह की अदालत में। डरे उस दिन से आप सब लोग, और उस बेकसूर को उसने क्या क्या कहा क्या, जिसके ऊपर उसने आपने उठा के उसको 20 दिनों से जेल में डाल दिए। ये इंसाफ है पाकिस्तान का, ये सिस्टम है पाकिस्तान का, ये सिला देते हैं आप एक ऐसे आदमी को जो अपना सब कुछ लुटा के, अपनी आराम की जिंदगी छोड़ के, अपना सेटल हुआ हुआ सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान जाता कि मैं जाके पाकिस्तान की खिदमत करूं। क्या उसने ऐसी बड़ी बात कह दी थी जिसके ऊपर आप सब उसके पीछे पड़ गए। जरा बाकी लोगों की तो सुने क्या कुछ नहीं करते, मैं उन सबको भी जानती हूं, वो पर्सनली जानते हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती इस वक्त किसी का। बस मैं अभी इस वक्त इतना ही कह पा रही हूं, मुझ में हौसला नहीं, बड़ा हौसला करके मैंने ये बात की।